नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दिल्ली तक पर। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। इन दिनों एक फिल्म को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। ये फिल्म है बॉलीवुड के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स। जी हां, इस फिल्म को लेकर कुछ लोग समर्थन में खड़े हैं तो कुछ लोग इस फिल्म का विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन हम इस फिल्म की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने द कश्मीर फाइल्स को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक पत्र लिखा है, एक चिट्ठी लिखी है और उसमें ये कहा है कि द कश्मीर फाइल्स जो ये फिल्म है इसे दिल्ली के अंदर टैक्स फ्री कर देना चाहिए और ये भी कहा है कि ज्यादातर सभी राज्यों में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी शासित जो भी राज्य हैं वहां पर इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जा चुका है। तो दिल्ली बीजेपी की ओर से जो चिट्ठी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लिखी गई है उसमें ये डिमांड किया गया है कि जो एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है फिल्म पर उसको 100% हटा देना चाहिए, रिलैक्स कर देना चाहिए द कश्मीर फाइल्स पर। और क्या कुछ कहा गया है इस चिट्ठी में वो भी आपको बताते हैं। इस चिट्ठी में ये भी कहा गया है कि द कश्मीर फाइल्स जो फिल्म है वो कश्मीरी पंडित जो हैं उनकी जिंदगी और उनकी जो संघर्ष रहा है उस पर ये फिल्म बनी है और ये जो है दिल्ली के थिएटर्स में भी इस वक्त दिखाई जा रही है। और ये भी अरविंद केजरीवाल से कहा गया है कि इस तरह की जो फिल्म है जहां पर टेररिस्ट को एक्सपोज किया जाता है, टेररिज्म को एक्सपोज किया जाता है, उन्हें बड़ी मात्रा में प्रमोट किया जाना चाहिए, वाइडली प्रमोट किया जाना चाहिए। और इसीलिए दिल्ली सरकार को ये चिट्ठी लिखी है दिल्ली बीजेपी ने कि 100% एंटरटेनमेंट टैक्स रिलीफ जो है द कश्मीर फाइल्स फिल्म को देना चाहिए। हालांकि दिल्ली सरकार या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से अब तक इस चिट्ठी पर कोई जवाब नहीं आया है, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर जो इतनी चर्चा हो रही है उसको लेकर भी अभी तक आम आदमी पार्टी कहें या फिर दिल्ली सरकार, किसी का भी कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। अक्सर देखा जाता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कई बार कई पिक्चर्स को लेकर जो है वो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और ये भी कहते हैं कि इस तरह की फिल्म देखनी चाहिए। कुछ ट्वीट उनके हम आपको दिखा देते हैं, आपको समझ आएगा कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल कई बार बॉलीवुड की कई पिक्चर्स को प्रमोट भी कर चुके हैं। चाहे आर्टिकल 15 की बात करें या फिर फिल्म मॉम की बात करें, अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए बताया कि कितनी अच्छी उनको ये फिल्म लगी। लेकिन आपको बता दें कि द कश्मीर फाइल्स को लेकर एक बड़ी कंट्रोवर्सी इस वक्त देश में दिखाई दे रही है। एक समूह है जो इस फिल्म को लेकर ये कह रहा है कि इसमें किसी विशेष जाति धर्म के लोगों के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया गया है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस फिल्म का खुलकर समर्थन कर रहे हैं और ये बात कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडित पर जो है वो अन्याय हुआ है और उसी को इस फिल्म में दर्शाया गया है। इतना ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी द कश्मीर फाइल्स को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम, कोई सत्य उजागर करने का साहस करे उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है, मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। उसके कुछ कई पहलू हो सकते हैं, किसी को एक चीज नजर आती है, किसी को दूसरी नजर आएगी। जिनको लगता है कि फिल्म ठीक नहीं होगा अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है, लेकिन उनको हैरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है और कोई मेहनत करके ला रहा है तो उसको पूरी इकोसिस्टम लग गई है, पूरी इकोसिस्टम लग गई है। और ऐसे समय जो सत्य के लिए जीने वाले लोग हैं उन्होंने सत्य के खातिर खड़े होना उनकी जिम्मेवारी होती है और ये जिम्मेवारी
मैं आशा करूंगा सब लोग निभाएंगे। तो बीजेपी शासित प्रदेश में तो फिलहाल जो है ये द कश्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है पूरी तरीके से। मध्य प्रदेश की बात करें तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में तमाम पुलिस वालों को उनकी फैमिली के साथ इस फिल्म को देखने के लिए छुट्टी भी दी गई है। लेकिन अभी तक अगर बात की जाए तो दिल्ली की, तो दिल्ली सरकार ने अभी तक इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी को लेकर या फिर द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। लेकिन अब देखना होगा, जिस तरह से दिल्ली बीजेपी ने पत्र लिखकर ये मांग की है कि दिल्ली में भी द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री किया जाना चाहिए, उस पर किस तरह से अब रिएक्शन दिल्ली सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सामने आता है। दिल्ली एनसीआर की खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।